तो अगर ए ऑप्शन देखू जेड वन का मॉडुलस का स्क्वायर जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू तो जेड वन प्लस जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर ठीक है ये अपने को प्रूव करना है अगर ये ट्रू है तो ये अपना आंसर होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है तो मैं आर एच एस लेके चलता हूँ वी नो देट सबसे पहले तो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोर्ड जेड हो जाता है इसका स्क्वायर ठीक है सोहे so, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले तो ये देखिए ये मोर्ड जेड स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉडुलस का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर इसको भी लिख सकता हूँ जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू काट ठीक है प्लस जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू काट सिंपल अब देखिए यहाँ से अब ये कितना हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन काट प्लस जेड टू काट प्लस जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन काट माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट ये हो गया जेड वन जेड जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट ठीक है इसको डायरेक्टली जो एलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है साथ में इसको जो मल्टीप्लाई करूंगा जिसका तो जेड वन जेड वन बार माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार प्लस जेड टू जेड टू बार ठीक है अब देखिए इससे ये गया जेड वन जेड टू बार इससे ठीक है इससे ये कैंसिल आउट हुआ अब देखिए जेड वन इंटू जेड वन बार क्या हो गया मोड जेड वन स्क्वायर ठीक है और ये जेड टू इंटू जेड टू बार मॉड टू स्क्वायर प्लस जेड वन बार मोड जेड वन स्क्र प्लस ये क्या, क्या हो गया मॉड जेड टू है और यही मेरा क्या था एल एच एस था तो वाला स्टेटमेंट तो मेरा क्या हो गया ट्रू हो गया ठीक है सो हिन्सी तो अपना फाइनल हो गया ठीक है अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है इसमें बोला है कि जो जेड वन प्लस जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू जेड टू स्क्वायर का मॉडुलस ठीक है इसका मॉडुलस प्लस में दिया हुआ है इसका नेगेटिव वाला पार्ट जेड वन माइनस जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर का मॉडुलस इसको मेरे को क्या प्रूव करना है ये, इसके होना चाहिए जेड वन प्लस जेड टू का बोर्डलेस प्लस जेड वन वाइनस जेड टू का बोडलेस अगर इसके इक्वल आता है तो ये ट्रू है अदरवाइज तो ये सिंपल ठीक है सो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एल एच एस लेके चलता हूँ एल एच एस वाला पार्ट इसको आर एच एस के इक्वल करने की कोशिश करूँगा अगर यहाँ पर क्या करूँगा मैं स्क्वायर करूँगा इसकी तरफ एल एच एस में ठीक है तब क्या होगा तो इसका ए का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा जेड वन प्लस अंडर रूट ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर इसके मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी माइनस अंडर रूट ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस यानी ये मॉडल ऑफ जेड वन प्लस रूट ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर इन टू जेड वन माइनस अंडर रूट ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाले में क्या रख सकता हूँ मोड जेड वन मोड जेड टू को क्या लिख सकते हो मोड ऑफ जेड वन जेड टू का मोड ठीक है ये तो प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ठीक है इन दोनों का ए प्लस बी का यहाँ पे स्क्वायर था और ए माइनस बी का यहाँ पे स्क्वायर था तो वो क्या होता है टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे ठीक है यानी ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर ये सेम ही था तो टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र तो यानी ए प्लस बी के का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का मॉडुलस का स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फर्स्ट वाले से हमने ये प्रॉपर्टी ड्राइव की थी तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर यानी जेड वन प्लस यहाँ पे आएगा जेड वन का स्क्वायर ठीक है प्लस ये कितना आएगा जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू का स्क्वायर ठीक है प्लस सेम यहाँ पे कितना आएगा टू टाइम्स ऑफ यहाँ से अगर मैं करता हूँ ए ए प्लस बी ठीक है अब यहाँ से ये वाला पार्ट करेंगे तो ये वाले पार्ट में क्या आएगा ये देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये टू टाइम्स ऑफ ये आपस में अगर मल्टी मॉडुलस तो यहाँ पे है ही ए प्लस भी ए माइनस भी तो जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर सिंपली ठीक है तो यहाँ से ये क्या आ गया टू टाइम्स ऑफ यहाँ से तो आया जेड वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर का मॉडुलस ठीक है प्लस यहाँ से आया टू टाइम्स ऑफ जेड टू स्क्वायर का मॉडुलस ठीक है ये तो मेरा क्या आया था एल एच एस जब स्क्वायर किया तो अब आर एच एस में जब स्क्वायर करूँगा आर एच एस क्या है जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड वन माइनस जेड टू जब इसका स्क्वायर करूँगा तो सिंपली यहाँ पे कितना आएगा जेड वन प्लस जेड टू इसके मॉडल का स्क्वायर जेड वन माइनस जेड टू इसके मॉडल का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जेड वन माइनस जेड टू ठीक है ये तो सिंपली वही वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा टू टाइम्स ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर ठीक है प्लस ये कितना आएगा मॉडुलस ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर ठीक है इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे ये टू टाइम्स ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ जेड टू स्क्वायर यहाँ पे भी टू टाइम्स ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर ये मैच आ गया और ये वाला यहाँ से टू टाइम्स ऑफ ये ये मैच कर गया यानी एल एच एस आर एच एस ये भी इक्वल हो गए तो यहाँ से ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया ठीक है अब सिमिलर वे में अगर मैं यहां पर सी और डी वाला पार्ट सॉल्व करता हूं सी वाले पार्ट में क्या है जेड वन प्लस जेड टू बाई टू जेड वन प्लस जेड टू बाई टू प्लस जेड वन जेड टू ठीक है प्लस में दिया हुआ है जेड वन जेड टू का रूट और ये माइनस में है ठीक है जेड वन प्लस जेड टू बाई टू माइनस रूट जेड वन जेड टू ठीक है इक्वल टू इसको इक्वल करना है किसके मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू के तो इसको कैसे प्रूव करेंगे एल एच एस वाला ये वाला पार्ट लेके स्क्वायर करूँगा ठीक है मैं तो एल एच एस से अगर स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे आता है जेड वन प्लस जेड टू बाई टू प्लस रूट जेड वन जेड टू इसका स्क्वायर जेड वन प्लस जेड टू बाई टू माइनस रूट जेड वन जेड टू इसका स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ये मॉडुलस के अंदर आ जाता है जेड वन प्लस जेड टू बाई टू प्लस रूट जेड वन जेड टू इन टू जेड वन प्लस जेड टू टू माइनस रूट जेड वन जेड टू ठीक है ये देखिए अब ये ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी जेड वन प्लस जेड टू टू का ये क्या हो गया इसका स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू ठीक है प्लस ये टू टाइम्स ऑफ ये मॉडुलस ऑफ ये कितना हो गया ए प्लस बी टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर बाई फोर माइनस जेड वन जेड टू का मॉडुलस ठीक है तो फाइनली इसको अगर मैं दो से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो ये कितना हो जाता है ये तो जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर बाई टू यहाँ से आता है जेड वन प्लस जेड टू यहाँ से कितना आ गया अंदर इसको जो मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस वाले को इससे तो आ जाएगा टू जेड वन जेड टू ठीक है प्लस में यहाँ पे कितना आएगा टू तो बाहर ले लिया ये आ जाएगा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस में टू जेड वन जेड टू ठीक है माइनस फोर जेड वन जेड टू अपॉन फोर तो ये कितना आ जाएगा जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर अपॉन टू इसका मॉडुलस प्लस ये है जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू जेड वन जेड टू ठीक है तो ये आ गया अगर मैं आर एच एस देखूँ तो ये क्या है जेड वन प्लस जेड टू तो इसका होल स्क्वायर करूँगा तो जेड वन प्लस जेड टू इसका जब होल स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा मोड़ जेड वन स्क्वायर मोड जेड टू स्क्वायर प्लस टू मोड जेड वन और मोड जेड टू ठीक है ठीक है इन दोनों का आपस में इक्वल करना है तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूँ तो जो जेड वन प्लस जेड टू के मोड स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू के मोड स्क्वायर बाई टू ये इस प्रॉपर्टी से देखूँ तो ये क्या होता है टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर तो मोड जेड वन स्क्वायर प्लस मोड़ जेड टू स्क्वायर अपॉन टू कर दिया तो हिंस ये कितना आ गया मोड जेड वन स्क्वायर प्लस मोड जेड टू स्क्वायर ठीक है इसका मतलब ये जो है ये वाले पार्ट के और ये वाले पार्ट के कुल हो गया और ये वाला जो पार्ट है यहाँ तो सेम है ही हैंस ये क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन भी मेरा ट्रू हो गया ठीक है इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ देखिए जेड वन स्क्वायर जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर ये तो बनेगा जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन बार प्लस जेड टू बार ठीक है माइनस ये जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार तो ये हो जाएगा जेड वन जेड वन बार प्लस जेड वन जेड टू बार जेड टू जेड वन बार प्लस जेड टू जेड टू बार ठीक है माइनस कर दिया यहाँ से जेड वन जेड वन बार माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार प्लस जेड टू जेड टू बार ठीक है तो ये देखिए इससे ये गया यहाँ से ये गया तो बच के आ गया टू टाइम्स ऑफ जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार तो हैंस इसका मतलब और ये इसके इक्वल है ठीक है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया तो चार ऑप्शन करेक्ट हो गए क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400 पर